बिग बॉस के घर में हुई धमाकेदार एंट्री। वाइल्ड कार्ड के जरिए बीजेपी लीडर बनी घर की नई सदस्य। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के घर में टिकटॉक स्टार और बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट की एंट्री हुई है। सोनाली फोगाट 2019 में उस समय सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ा था। हालांकि सोनाली फोगाट कांग्रेस लीडर कुलदीप बिश्नोई से 29,471 वोटों से हार गई थी। सोनाली फोगाट को बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए क्यों लाया गया है, इसके पीछे मेकर्स का क्या मकसद है, ये कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह से सोनाली फोगाट का व्यक्तित्व है, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बिग बॉस के घर के लिए वो सही कंटेस्टेंट हैं। सोनाली फोगाट तेज तर्रार हैं और जून 2020 के उस वीडियो के जरिए सोनाली फोगाट एक बार फिर सुर्खियों में आई थी, जिस वीडियो में वो हिसार के एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह की चप्पल से पिटाई करती नजर आ रही हैं। सोनाली फोगाट का जन्म हरियाणा के हिसार में ही हुआ है। सोनाली फोगाट के पति का नाम संजय फोगाट था, जिनकी 2016 में मृत्यु हो गई थी। सोनाली फोगाट की एक बेटी है जिनका नाम यशोधरा फोगाट है। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट एक बहुचर्चित टिकटॉक स्टार हैं और वो एक्टिंग की दुनिया में भी अपनी हाथ आजमाइश कर चुकी हैं। सोनाली फोगाट हरियाणवी फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं होती और टीवी सीरियल एक माँ जो लाखों के लिए बनी अम्मा में काम कर चुकी हैं। बिग बॉस के घर में सोनाली फोगाट का सफर कहाँ तक जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।